सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी वसंत भाग एक में पाठ 6 जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित कहानी पार नजर के पाठ का प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात से जो प्रश्न है उसका हल करेंगे। इससे पहले हम लोग कहानी से जो प्रश्न था उसका हल कर चुके हैं और आज भाषा की बात तो जो प्रश्न है उसका हल करेंगे। भाषा की बात से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वार्तालाप शब्द वार्ता जोड़ आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है। वार्तालाप एक शब्द है जो कि वार्ता जोड़ आलाप के मिलने से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रश्न किया जा रहा है कि इन शब्दों में किन शब्दों की संधि है। शब्द है शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार, उत्तर। शिष्टाचार शिष्ट जोड़ आचार, उत्तरांचल उत्तर जोड़ अंचल, श्रद्धांजलि श्रद्धा जोड़ अंजलि, सूर्यास्त सूर्य जोड़ अस्त, दिनांक दिन जोड़ अंक, अल्पाहार अल्पजोर आहार। प्रश्न संख्या 2 कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। एक वाक्य है कि कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ और कहा जा रहा है कि इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। दोनों वाक्य में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े हमें स्वयं सोचकर लिखना है। उत्तर विद्यालय पहुंचते ही घंटी बज गई। जैसे ही विद्यालय पहुंचा घंटी बज गई। डॉक्टर के आते ही मरीज मर गया। जैसे ही डॉक्टर आया मरीज मर गया। बादलों के गरजते ही वर्षा होने लगी। जैसे ही बादल गरजा वर्षा होने लगी। प्रश्न संख्या 3 उदाहरण स्वरूप 2 वाक्य दिए गए हैं। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त बातों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। कह रहे कि ऊपर जो दो वाक्य दिए गए हैं दोनों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे जो है वो वाक्य को विशिष्ट अर्थ देते हैं और पहली पंक्ति जो है उसमें ऐसा ही मुहावरा दिखाई देता है। नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें नजर के साथ अलग अलग क्रिया का प्रयोग हुआ है और जिनसे मुहावरे बने हैं। अब कह रहे हैं कि इन मुहावरों से इनके प्रयोग से वाक्य बनाने यानी वाक्य में इन मुहावरों का प्रयोग करने। उत्तर सबसे पहले देखिए शब्द को। नजर पड़ना नजर रखना नजर आना नजरें नीची होना। उत्तर नजर पड़ना मेले में अचानक बच्चों की नज़र खिलौने पर पड़ी। नज़र रखना परीक्षा भवन में हर विद्यार्थी पर नज़र
रखनी पड़ती है। नजर आना, मोहन वर्ग में कभी कभी नजर आता है। और चौथा है नजरें नीची होना। सोहन की चोरी पकड़े जाने पर उसके पिता की नजरें नीची हो गई। प्रश्न संख्या चार, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। कह रहे कि नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं जिसमें से एक संज्ञा है दूसरा विशेषण है। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो और बताओ कि इनमें से संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है। शब्द है आकर्षक आकर्षण, प्रेरणा प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। उत्तर, आकर्षक विशेषण शब्द है। वाक्य है यह तस्वीर बहुत आकर्षक है, जबकि आकर्षण संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा शब्द है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण शब्द है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा शब्द है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है, जबकि प्रेरक विशेषण शब्द है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है। प्रतिभाशाली विशेषण शब्द है, राम प्रतिभाशाली थे, जबकि प्रतिभा संज्ञा शब्द है, राम में प्रतिभा थी। तो इस प्रकार से आज हम लोग ने पाठ 6 में जो भाषा की बात से जो प्रश्न था उसका हल किए। अगले वीडियो में हम लोग अगला पाठ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।